हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गाइस यहाँ पे देखो, आप लोगों को कल ही जो नोटिफिकेशन आया था एयरफोर्स की तरफ से कि भाई देखो आपका एग्ज़ाम का डेट जो है क्लियर है, ये चीज़ तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अभी तक सारे कैंडिडेट्स को लगभग पता चल गया होगा, फिर भी आप लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। ये चीज़ मैंने कल ही यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब और टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है और अपना डेट देख लो भाई, एग्ज़ाम कब से कब है। ठीक है ना, ये चीज़ तो मैंने कल ही बता दिया था। उसके बावजूद भी आप लोग बोल रहे थे कि नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, बहुत सारे डाउट्स हैं, इस नोटिफिकेशन में भी डाउट्स हैं। तो गाइस इस पर कहीं मत ध्यान दो, बस ये चीज़ अपना एग्ज़ाम पे भी ध्यान दो। ठीक है ना, जो आपका 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा देखो, अभी एग्ज़ाम दोगे तब तो जाके ना आगे जाओगे ना, कब आपका PSL है, कब फिजिकल है, कब फेज 2, ये सब चीज़ें, तो अभी रिजल्ट आएगा, ये सब होगा, उसके बाद तो फेज 2 वगैरह होंगे। आपको ज्वाइनिंग की बात कब होगी, जब आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, तो अभी आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, एग्ज़ाम पे। बट इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स थे आपके, एक एक क्वेश्चंस को मैं पढ़ा था। ठीक है ना, दो कल जो आपने दिया था टेलीग्राम पे भी कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, कुछ लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि एज क्राइटेरिया बताओ, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बताओ, ये सभी चीज़ें जो बोल रहे थे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ पहले की है तो क्या इसमें आगे जाके कुछ चेंजेज होगा, क्या मेरी एडमिट कार्ड आएगी, ये सब चीज़ें करके बहुत सारी क्वेश्चंस थी, तो मैं एक एक करके आपको बताना चाहूँगा। गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आपकी अभी तैयारी कैसे होनी चाहिए। आपको पता है कि स्पेशली मैं क्या पढ़ाता हूँ, रगा की तैयारी कराता हूँ। ठीक है ना, रगा की स्पेशली तैयारी करता हूँ, कराता हूँ आपको। तो गाइस इससे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ, और इंग्लिश के लिए तो मैंने पहले बताया ही था कि इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए, रगा में क्या करना चाहिए, बट अभी से आपको क्या करना चाहिए, देखो मैं बताऊँगा। अगर आपने एक बार कोर्स को कम्प्लीट करा लिया है, कहीं से भी कर लिया है, या फिर आपने कोचिंग से कर लिया है, या फिर मेरे YouTube चैनल से कर लिया है, या फिर अभी आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ ही रहे हो, उससे पहले आपने कहीं से कर लिया है क्लास, ठीक है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, जो कि ध्यान से सुन लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी कोई क्लास किया ही नहीं है, ठीक है ना, और अभी तक मतलब ऐसे ही किसी किसी चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी एक पर डिपेंड होकर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, अभी रिसेंटली जुड़े हुए हैं, कुछ क्लासेस की हैं, कुछ क्लासेस दूसरे चैनल से कर लिए हैं, कुछ दूसरे से कर लिए हैं। उसके बाद आप पहले ये देखो कि आप बोल रहे हो कि तैयारी पूरी हो गई है, फिर भी मॉक टेस्ट लगाने पे मार्क्स नहीं आ रहे। देखो गाइस, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी है, तो मॉक टेस्ट लगा रहे तो रगा में आ रहा है 15 to 16 नंबर, इंग्लिश में भी आ जा रहा है, इंग्लिश में कुछ का ठीक ठाक आ रहा है तो कुछ का ख़राब आ रहा है, ठीक है। तो गाइस इसका एक ही इलाज है, पहले तो आपकी अभी तो एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है, अब यहाँ से मैं बोलूँगी शुरू से कोर्स स्टार्ट करो तो इम्पॉसिबल है। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको बहुत अच्छे करके जाओ। जैसे एक टेक्निक होता है ना किसी भी चीज़ का, हमें ये देखना है कि रगा में सबसे ज़्यादा पूछता क्या है, तो रगा में सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, रीजनिंग पूछता है, और रीजनिंग होता है कैसा है, बहुत ईजी होता है, इसको कोई भी आसानी से कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई हमें फिक्स्ड रूल नहीं याद करना है, इसमें हम अपने माइंड को बस चलाना होता है। ये सब कैसे डिपेंड करता है, सुधारना कैसे होता है, बस प्रैक्टिस पे, ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, बशर्ते कि एक बार हमें पता चल जाए कि ये रीजनिंग कैसे बनता है, तो उससे रिलेटेड हम 1000 रीजनिंग बना देंगे, है ना। तो कैसे यहाँ पे ध्यान देना कि रीजनिंग की कैसे बनती है, ये सब चीज़ें भी आपको नहीं पता है, गलती हो रही है कोई भी रीजनिंग, तो जाओ किसी भी स्टडी ग्रुप में जाओ, चैनल पर जाओ, ठीक है ना, जैसे अपना A to Z स्टडी हो गया, तो इस पर मैंने रीजनिंग 2020 लेके प्लेलिस्ट बनाई थी, रीजनिंग 2020 करके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बनाई थी, कि उसमें मैंने रीजनिंग की जो है पूरी की पूरी निचोड़ निकाल दी है, मतलब वहीं इतना पढ़ा दिया कि कहीं से आपको रीजनिंग छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको अभी से पूरा वो नहीं देखना है प्लेलिस्ट, ठीक है ना, अब बिकॉज वो तो एग्जाम नज़दीक आ गया, पूरा देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, अब रीजनिंग का जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जो चैप्टर से गलत हुआ है, वो चैप्टर पार्टिकुलरली जाके वो वीडियो देखो, ठीक है, और उसके रूल्स देखो, उसके बाद फिर से मॉक टेस्ट लगाओ, फिर जो अगली बार जो क्वेश्चन गलत हुआ उस चैप्टर को जाके देखो चैनल पे। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट जाके देखो आप, ठीक है ना, ऐसा नहीं। बाकी तो मैं एग्ज़ाम का डेट बता दूँ कि आपको जो 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच है, अब आप अनुमान लगा लो अभी से कितना डेट है, ज़्यादा मुश्किल से 20-21 दिन टाइम है आपको, 20-21 दिन में यही करना चाहिए। हार्ड लेबर इसी को बोलते हैं और स्मार्ट लेबर भी इसी को बोलते हैं। अब बोलोगे हार्ड लेबर का मतलब हुआ हम 10 से 12 घंटे पढ़ लें, तो ऐसा नहीं, डेली आप 6-7 घंटे पढ़ो और इसी तरीके से पढ़ो जो मैंने बताया। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, जो चैप्टर गलती हो रहा है रीजनिंग में या फिर मैथ में, क्यों ना इवन मैथ में देखो, मान लो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमारा गलती हुआ ट्रिगो का एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, चलो ट्रिगो का बस बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपसे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं,
तो मैंने वो चीज़ें पढ़ा दी है, मैथ 2020 करके जाओ, उसमें ट्रिगो का जो पढ़ाया मैंने वो क्लासेज आज देख लो, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे स्टडी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम शुरू से लेके एक दो तीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें बर्डन लगेगा, बोरिंग लगेगा, वो चीज़ें लगेगा बहुत ज़्यादा हमारे सर पर बोझ हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो नहीं पढ़ना है कि जो ऑलरेडी आपको आता है, वो आता है जो है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा। देखो कुछ लोगों का कहना है ना कि मैंने पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ली है, आपके ए टू जेड स्टडी चैनल से भी पूरा का पूरा पढ़ लिया है, बट मेरे मार्क्स अभी भी उतने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने कहीं से भी पूरा अच्छा से पढ़ लिया, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि आपकी प्रैक्टिस अभी बहुत कम हुई है, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब आपने क्वेश्चन कम से कम सॉल्व किए हैं। देखो मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर जीके हो, इवन जीके को भी हम ले लेते हैं, इन सभी मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। मैथ जो है कंबाइंड जो है मतलब ये बोलो कि कंबाइंड सेट्स लगाओ, जैसे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आए, मैं अभी मैथ के डेली 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, मैथ के डेली 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको देखो और लगाओ। उसमें जो चीज़ नहीं आता है, मैं हर संडे को क्या कर रहा हूँ, आपको डाउट क्लास रख रहा हूँ, उनकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, डाउट क्लास में वो क्वेश्चन को क्लियर कर रहा हूँ। इवन रीजनिंग का भी वही है, डेली मैं 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ वर्बल नॉन वर्बल मिला के, इसके साथ भी यही कंडीशन है, मैं सारे PDF दे रहा हूँ, और उसमें से जो आपको नहीं आ रहा है कमेंट करके बताओ, मैं उसको अलग तरीके से समझाऊंगा। अब देखो ये तो चीज़ हो गया कि प्रैक्टिस पे, तो अब बोलोगे इंग्लिश को कैसे हम करें, इंग्लिश में कोई थोड़ी है मैथ की तरह कैलकुलेशन है, नहीं, लेकिन इंग्लिश का भी प्रैक्टिस पे डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि जब हम ग्रामर पढ़ लेते हैं तो ग्रामर को एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे रूल दिमाग में रखना इम्पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल कैसे बनाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे इंग्लिश का, जितने क्वेश्चन हमारे सामने ज़्यादा आएंगे तो वो रूल हमारे क्या होगा, दिमाग में रिवीजन हो जाएगा, अच्छा दिस के साथ इज लगता है, या फिर प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट आया तो आगे वाला क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडिफिनिट होना चाहिए। इस तरीके से हमें रूल का जो है रिवीजन होता है हमारे माइंड में, ठीक है। अब हमें ये नहीं लगाना कि हमने आज वर्ब पढ़ा है, आज टेंस पढ़ा, तो हम टेंस का टेस्ट लगाएंगे, वर्ब का टेस्ट लगाएंगे, नहीं, पूरी की पूरी मिक्स टेस्ट लगाओ, किसी भी सब्जेक्ट को वो मिक्स लगाओ, ठीक है ना। मिक्स टेस्ट लगाने से क्या होता है, जब हम पूरी पूरी मॉक टेस्ट लगाते हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन होते हैं, तो हमारा जो है स्टडी मतलब ये बोलो रिवीजन में बूस्ट होता है, वो बूस्ट करता है, क्योंकि हम सभी चैप्टर्स को एक साथ लेके चलते हैं, तो वैसे बहुत सारे चैप्टर्स के रूल हमें एक साथ दिमाग में आते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जो कि बेस्ट तरीका है एग्ज़ाम से पहले करने का, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा ये लास्ट चांस है, मुझे क्या करना चाहिए। देखो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए, या फिर आपके आपके चाहने से बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं, आपका जो काम है वो करो आप। आपका काम क्या है, आपको रेगुलरिटी के साथ मतलब कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से, चाहे आप एक्स ग्रुप की हो चाहे वाई ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप का मैं सलाह नहीं देता हूँ, बिकॉज मैं फिजिक्स तो पढ़ाता नहीं हूँ, नहीं एक्स का मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं सलाह भी नहीं देता हूँ उनको, क्योंकि जो चीज़ मैं खुद नहीं करता वो आपको कैसे दे सकता हूँ सलाह। बट वाई वाले को हमेशा बोलता हूँ कि देखो रगा हो या फिर इंग्लिश हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ये आपके दिमाग में जो चीज़ बैठ गया कि बहुत भारी है तो वो भारी लगेगा, इसको हल्का करने के लिए वही एक चीज़ है, आप प्रैक्टिस लगाओ। और फिर मैंने आपको एक ऑप्शन भी दे दिया है कि आपको अगर कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, बहुत सारे लोग करते भी हैं, मैं उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करता हूँ, तरीका बता देता हूँ किस तरीके से क्या करना चाहिए, फिर देखो उनका स्टडी ठीक ठाक चलता है। सो गाइस आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, फिर भी मैं बोलूँ कि आपकी जहाँ से भी कोई भी चैप्टर अगर बाकी है तो जाओ प्लेलिस्ट देखो, रीजनिंग करके 2020 है, ठीक है। अब इतने साल से यूट्यूब चला रहे हो तो प्लेलिस्ट ढूंढ ही लोगे, ठीक है ना, ए टू जेड स्टडी से, ऐसा नहीं कि आप न्यू भी हो, आपको कुछ आता नहीं है। तो आप रीजनिंग 2020 करके पहले देखना, फिर मैथ 2020 करके देखना जो प्लेलिस्ट होगी, इनमें से जो चैप्टर आपको बाकी लगता है, आपका वीक लगता है, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग 500 करके जो मैंने करा रहा हूँ, मैं डेली जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ उसकी, ये थ्योरी की है 2020, और प्रैक्टिस वाले 500 और मैथ 500 जो प्लेलिस्ट है उनमें से प्रैक्टिस करो। और इनकी PDFs को मैं दे रहा हूँ, सारे PDFs को दे रहा हूँ फ्री, इन PDF को अच्छे से रखो और डेली रिवीजन करो। मतलब हमने आज जो है मैथ 1 का कर लिया है, 2 का कर लिया है, तो अब ऐसा नहीं कि दो दिन के बाद सिर्फ हम 5-6 करेंगे, 4-5-6 नहीं, अब जो टाइम बचा तो हम पहले वाले क्वेश्चन को भी अगेन सॉल्व करेंगे। यही नियम जो है सभी चैप्टर्स में लगाओ, उसके बाद आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और हाँ, इस PDF से ज़्यादा टेंशन मत लो, और इस PDF में सिर्फ आपको एग्ज़ाम पे ध्यान देना होगा। और जहाँ तक आपको डेट ऑफ बर्थ की बात है, तो आपने जो पहले से फॉर्म जिन लोगों ने इस बार की अप्लाई की है, ठीक है, तो वो बोल रहे थे ना कि जैसे कि हमारा एज अगर ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम होते होते, हमारा मतलब वो बोले PSL होते होते, तो क्या हमें लिया जाएगा, बिल्कुल भी लिया जाएगा, आपकी गलती थोड़ी थी, वो तो एयरफोर्स ने किया, मतलब पोस्टपोन हुआ क्या हुआ, तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया अगर उनका रिजल्ट आएगा, भले उनका एज कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको वो लोग ज्वाइनिंग कराएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ से कन्फर्म रहो। अब बोल रहे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बोल रहे हो कब आएगी, गाइस देखो
नेक्स्ट वैकेंसी है, नवंबर में एग्जाम तो ले लेते हैं, ठीक है ना। नवंबर में एग्जाम हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वैकेंसी की, जहां तक 100% मैं बोलता हूं, दिसंबर टू जनवरी तक आपको ये इसका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की मतलब नोटिफिकेशन आपको आ ही जाएगी, क्योंकि आपसे ज़्यादा जल्दीबाजी में वो लोग भी रहते हैं, ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें बेनिफिशियल लगी होंगी, जो मैंने रूल बताया वो काम आप करोगे। बाकी 25 डेज़ का मैंने जो आपको बताया था स्ट्रेटजी, अगर जो कैंडिडेट्स उसी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, उनकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और लास्ट में जाते जाते कमेंट ये करके बताना है कि आपकी अभी स्टडी कैसे चल रही है, रगा में जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो रगा में कितने मार्क्स आ रहे हैं और इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं, दोनों को कमेंट करके बताना, ठीक है। जरूर बताना अपना नाम, अपना स्टेट और रगा में टोटल कितने मार्क्स आते हैं, निगेटिव करके इंग्लिश में कितने मार्क्स आते हैं, इन दोनों चीज़ों को कमेंट करके बताना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा कमेंट का, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।